पहली पारी में 177 पर समटी गंगारू। जडेजा ने लिए 5 विकेट, जवाब में टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 77 रन बनाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जांथा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन मेजबानों के नाम रहा गुरुवार को स्टंप तक टीम इंडिया ने कंगारू को 177 रनों के जवाब में 1 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन नाबाद लौटे हैं। केएल राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल भारतीय टीम 100 रन से पीछे चल रही है। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 63.5 ओवर में 177 रन पर समेट दिया। रविंद्र जडेजा ने 5 और रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद शिराज और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट लिया। कंगारू टीम की ओर से मार्नस लाबुसेन ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 37, एलेक्स कैरी ने 36 और पीटर ने 31 रन की पारी खेली। पहले दिन का पहला सेशन मिला जुला रहा। इसमें 76 रन बने और 2 विकेट भी गिरे। मैच की शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कंगारू टीम को 2 रन पर 2 झटके दिए। यहां ओपनर उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर 1-1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। ऐसे में लाबुसेन और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभाला। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। तो आपको ये मैच कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।